सवाई माधोपुर जिले के चर्चित सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड मामले में जिला विशेष न्यायालय SC ST ने 30 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही न्यायालय ने सभी 30 आरोपियों को धारा 302 में 50,000 रुपए के अर्थदंड सहित अन्य धाराओं में भी दंडित किया है। गौरतलब है कि सुरवाल कस्बे में 17 मार्च 2011 को पुलिस इंस्पेक्टर फूल मोहम्मद को जीप में जिंदा जला दिया गया था। मामले की जांच एजेंसी CBI ने 2 बाल अपचारी सहित 79 लोगों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था। लगभग 11 साल 8 माह की न्यायिक ट्रायल के दौरान मामले से जुड़े 5 आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। वहीं 2 बाल अपचारियों के विरुद्ध प्रकरण विचाराधीन है। ऐसे में न्यायालय में तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक महेंद्र सिंह कालबेलिया व माउंटाउन थाने के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर सुमेर सिंह सहित 69 लोगों के खिलाफ अपना महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसमें न्यायालय ने तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक महेंद्र सिंह कालबेलिया सहित 30 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वही न्यायालय ने सभी 30 आरोपियों को अर्थदंड से दंडित किया है। देखिए, इसमें मैक्सिमम जो है जीवन पर्यंत रखा गया है। जीवन पर्यंत को हम 20 साल भी मान सकते हैं और 14 साल कोर्ट उस पर कितनी देती है वो देखने वाला भी बिंदु है। अर्थदंड से भी दंडित किया है। बिल्कुल सर, इनमें सभी को धारा 302 में सभी मुलजिमान को 50,000 रुपये से दंडित किया गया है और इसके अलावा 304 और 304 307 में भी 5,000 20,000 रुपये और 10,000 रुपये से अलग अलग धाराओं में सभी मुलजिमान को दंडित किया। इसके अलावा डिप्टी भी एक केस में शामिल थे, उनको भी क्या आजीवन कारावास की सजा? बिल्कुल सर, उनको भी आजीवन कारावास से दंडित किया गया। इसमें सारे जो 30 अभियुक्त गण हैं, जिनमें महेंद्र सिंह DYSP कालबेलिया भी शामिल है, इन सबको माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है और उसके साथ अर्थदंड से भी दंडित।